दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। आइए आपका हम सबके चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल में स्वागत है। तो मैं प्रिया मिश्रा ऑलरेडी आप लोगों से जुड़ चुकी हूँ। तो जो हमारे नए दोस्त आए हैं वो नोटिफिकेशन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, इंग्लिश ग्रामर में आपको प्रोनाउन पढ़ाने चल रहे हैं। तो आप पहले पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके बाद उनके आज हम बताएंगे फॉर्म। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, इंग्लिश ग्रामर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। चलिए ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। व्हाट इज फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, सच एज, यानी कि जैसा कि हम देख सकते हैं, इसको बहुत ही मेन टॉपिक चल रहा है, इसको छूटने ना पाए आप लोगों से दोस्तों। तो ध्यान रखिए, देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे तीन फॉर्म में होंगे, चलिए देख लेते हैं उसको। फर्स्ट, जिसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी कि आई और वी। हमारा सेकेंड पर्सन होगा यू, योर, दाऊ। चलिए ये तो हुआ हमारा सेकेंड पर्सन। अब हमारा आता है थर्ड पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन हम फटाफट चलिए बिना देरी किए हुए देख लेते हैं कि क्या होता है। ही, सी, इट, दे, नेम, ये सब हमारे क्या होंगे दोस्तों, और नेम। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ये आपको बताया जा रहा है क्या है हमारा सच है। फर्स्ट पर्सन हमारा आई और वी, सेकंड पर्सन यू, उसके बाद सॉरी योर, ये हमारा है योर, योर, दाऊ, दाऊ मतलब होता है तुम। उसके बाद थर्ड पर्सन हमारा आता है ही, सी, इट, दे, नेम। नेम में जैसे राधा, श्यामा, कुछ भी गर्ल्स नेम हुए, बॉयज नेम हुए दोस्तों, सब कुछ ऑलरेडी हमारे नेम से में आ जाएंगे। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आपको अब हम बताएंगे व्हाट इज फर्स्ट पर्सन। चलिए हुआ, अब डालिए आप लोग हेडिंग फर्स्ट पर्सन। आपको फर्स्ट पर्सन में हम क्या बताने वाले हैं इसी रूम में, आगे के हम देखेंगे। ये हमारा रहेगा फर्स्ट पर्सन। अब इसमें हम आपको बताएंगे व्हाट इज फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो हम देख लेंगे इसको फटाफट से। द प्रोनाउंस आई वी, यानी कि जो प्रोनाउन हमारे आई और वी होंगे दोस्तों, वो हमारे क्या होंगे, दर्शा रहे हैं विच डिनोट्स, बता रहे हैं कि द प्रोनाउन आई एंड वी विच डिनोट्स द पर्सन, पर्सन आर, किसी भी पर्सन को बता रहे हैं, या फिर वो क्या कर रहे हैं, वो पर्सन हमारा क्या कर रहा है कि बोल रहा है, पर्सन आर, पर्सन स्पीकिंग, पर्सन स्पीकिंग। जैसे हुआ द प्रोनाउंस आई वी विच डिनोट्स द पर्सन आर, पर्सन स्पीकिंग, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आर सेड, यानी कि कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, आर सेड टू बी, टू बी ए पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या होंगे, टू बी ए पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, यानी कि टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। चलिए
ये तो हमारा हुआ फर्स्ट पर्सन, यानी कि बता रहा है फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस, आपको तीनों फॉर्म मिल गए। उसके बाद सीरियल बाय स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पर्सन पे हम दोस्तों आते हैं, तो फर्स्ट जो होता है यानी कि द प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस आई और वी, यानी कि आई और जो वी होते हैं ऐसे प्रोनाउंस विच डिनोट्स, जो इंडिकेट कर रहे हैं द पर्सन आर पर्सन स्पीकिंग, किसी भी व्यक्ति को या फिर जो व्यक्ति बोल रहा है होता है फर्स्ट पर्सन, उसे कहते हैं जो व्यक्ति बोल रहा हो, और जो व्यक्ति सुन रहा है सेकंड जो है, तो हम फर्स्ट जो होता है वो दूसरे वाले से कहता है, तो ये हमारा सेकंड हुआ। लेकिन वही दोनों जो आपस में किसी तीसरे की बात कर रहे होते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो बात करने वाले होते हैं हमारे मैटर जो स्पीकिंग कहलाते हैं, यानी कि पर्सन स्पीकिंग वो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, एंड लिसनिंग होगा जो वो सेकंड होगा, और उससे भी दोनों से बात जो करेक्ट करके उसे जो तीसरे की बात हो रही है हमारा थर्ड पर्सन होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, द पर्सन आर पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन क्या कर रहा है, बोल रहा है, आर सेड टू बी, यानी कि कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन ओ पर आप द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का वो पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि अभी तक आपने हमारे पर्सनल प्रोनाउन को भी पढ़ रहे थे, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में आप यही पर्सनल प्रोनाउन पाएंगे, उसके आज हम पर्सन बता रहे हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन कहे जाते हैं, फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। चलिए हम सेकंड वाले में कर देते हैं हमारा, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए अब हम यहीं पे आप डाल दे रहे हैं, क्या आप लोग कॉपी पेन लिए हैं, आप बना लीजिए। सेकंड पर्सन हो जाएगा हमारा यहीं पे द प्रोनाउंस यू एंड योर, यानी कि जो प्रोनाउंस होते हैं यू एंड योर विच डिनोट्स, जो डिनोट्स करते हैं द पर्सन आर। अब स्पोकन यानी कि क्या किया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है, ये पर्सन आर पर्सन स्पोकन चलिए। ये तो हमारा हुआ क्या कि सेकंड पर्सन, आप लोगों को बस थोड़ा सा बीच में ध्यान देना है कि सेकंड हमारा पर्सन क्या है, कि द प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउन यू योर, ऑलरेडी आपको हम प्रीवियस स्टेटमेंट में बता दिए हैं कि जो यू योर होता है हमारा सेकंड पर्सन होता है, विच डिनोट्स जो इंडिकेट करता है बताता है द पर्सन आर पर्सन स्पोकन, जो पर्सन के बारे में यानी कि उसे कहा जा रहा है, हम कह रहे हैं सामने वाले से, तो हम तो फर्स्ट पर्सन हुए जिससे कह रहे हैं यानी कि बोल रहे हैं, स्पोकन कहा जा रहा है, कहते नहीं स्पोकन हाँ। तो ये आर सेड टू बी कहा जा रहा है पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन, यहाँ पे डाल लीजिए सेकंड पर्सन। तो ये सेकंड पर्सन का यानी सेकंड फॉर्म का हमारा क्या होगा दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो आई गेस आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में आ रहा है। तो ये तो हमारा हुआ फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, अब हम आपको लेकर आ रहे हैं थर्ड पर्सन के बारे में। चलिए दोस्तों हुआ, चलिए अभी अगर यहीं पे हमें थर्ड पर्सन करना हुआ तो हम बस थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, क्या करते हैं बस थोड़ा सा चेंजिंग, ये हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। थर्ड पर्सन के बारे में हम कह रहे हैं कि जो हमारा थर्ड पर्सन होता है वो बताता है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा हुआ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमने यहाँ पे पर्सन स्पीकिंग के बारे में पढ़ा, यानी कि फर्स्ट पर्सन हुए, अब वहीं पर पर्सन स्पोकन हो गया, थर्ड ये हमारा हो गया सेकंड पर्सन के बारे में। बस यहाँ हमें ऑब्जेक्ट अपना अपना चेंज करना है, अब हो जाएगा थर्ड पर्सन द प्रोनाउंस, यहाँ पे हम आपको लिख के बता दे रहे हैं ही सी इट दे एंड नेम, और क्या है दोस्तों नेम, यानी कि द प्रोनाउंस ही सी इट दे आर नेम, प्रीवियस आपको स्टेटमेंट में हमारे मैनर में मिला है कि यही सब हमारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो ये सब जो होते हैं विच डिनोट्स जो इंडिकेट करते हैं बताते हैं द पर्सन, यानी कि जब पर्सन होता है आर पर्सन स्पोकन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। तो द प्रोनाउंस ही सी इट दे एंड नेम जो हमारा होता है विच डिनोट्स जो इंडिकेट करता है बताता है द पर्सन, किसी भी जो पर्सन होता है अथवा पर्सन स्पोकन ऑफ जिसके बारे में कहा जा रहा है। हम तो है मान लीजिए अकेले हैं, हम कह रहे हैं तो स्पीकिंग कर रहे हैं बोल रहे हैं ओके, तो जिससे कह रहे हैं स्पोकन कह रहे हैं यानी कि उससे बोल रहे हैं, बोल दिया, ये हमारा सेकंड फॉर्म हुआ।
जब थर्ड फॉर्म के बारे में हो रहा है तो पर्सन स्पोकन आप उसके बारे में बोला जा रहा है। हम बोल रहे हैं फर्स्ट हुए, जिससे बोल रहे हैं वो सेकंड हुआ, और उसके बाद जो थर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा यानी कि स्पोकन आप हो जा रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। आर सेड टू बी वो कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द सॉरी यहाँ पे थर्ड पर्सन, वहां पे प्रीवियस वाले में आप सेकंड बना लीजिएगा, तो थर्ड पर्सन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का वो थर्ड पर्सन कहलाता है। यानी फिर से एक बार देख लीजिए, प्रोनाउन ही सी इट दे जो होते हैं, विच डिनोट्स जो इंडिकेट करते हैं, पर्सन आप पर्सन स्पोकन आप आर टू सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। चलिए आई गेस आप लोगों को बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए हुआ, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बिना देरी किए हुए दोस्तों। आप हमारे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर ये चीज होती क्या है। चलिए तो चलिए दोस्तों, यहां तक आप पढ़ चुके हैं थर्ड पर्सन, तो हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के आगे ही आपको हम अभी उसमें जेंडर बताएंगे, नाउन बताएंगे, पर्सन बताएंगे, यानी कि थर्ड पर्सन के आगे आपका एक चार्ट मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट हम लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़े रहिए उस चार्ट को पाने के लिए ही, तो इससे ही उस चार्ट को अगर मिलना है तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा, क्योंकि बेल आइकन अगर प्रेस करेंगे तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन मिल रहा है तो आप चार्ट से उस चार्ट से छूटेंगे नहीं। तो एक धमाकेदार चार्ट हम लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, तो गुड बाय।